the demolition process of an illegal building right at the entrance of McLeodganj has been started on the orders of Supreme Court. However, the tardy way in which the demolition has been carried out has caused concern among the tourism industry. The people related with tourism industry in Dharamshala are alleging that the work for demolition of the building is going at a very slow pace. Due to the demolition work, the entire road to McLeodganj has been stopped for traffic. Since the traffic has been stopped in the area, it will cause traffic jams and harassment to tourists. The tourism industry has already suffered losses due to corona pandemic last year. They are alleging that in case the demolition work is not completed in the next 1 week, it might hurt their business in the coming summer season. बिल्डर धीमी धीमी गति से बिल्डिंग को तोड़ रहा था. हम प्रशासन से मिले थे. प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की है कि समर सीजन आ रहा है और जिस गति से बिल्डिंग टूट रही है वो तो सालों लगेगी. हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस बिल्डिंग को एक साइंटिफिक तरीके से हैवी मशीनरी लगाकर वो जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए. अदरवाइज जो टूरिस्ट परेशान हो रहा है, लोकल पब्लिक की परेशान हो रही है, क्योंकि मैक्लोडगंज में आने का एक ही रास्ता है, वो जो एक टंगल मोड़ से माल रोड से होते हुए मैक्लोडगंज पहुँचते हैं, लेकिन उसी रास्ते से जिसको नड्डी जाना है कैंट जाना, उसी रास्ते जा रहा है और उस कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है. हम पुनः प्रशासन से अनुमोदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य. टाइम तो 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है इसके लिए और लगी भी थोड़ी सी भी है. चलो ये कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उनका अपना हुआ है वो तो उसमें हो नहीं सकते, पर हमारे लिए थोड़ा परेशानी का सबब है कि जो निचले वाला रोड है वो बंद पड़ा हुआ है. ऊपर जाके जैसे हम धर्मशाला से वापस आना तो हमको नहीं आने देंगे यहाँ से सीधे निचले रोड से, और जो ऊपर वाला रोड है आपका टेंगल रोड से बाय होके, तो वहाँ क्या कि वहाँ बीच में थोड़ा नैरो सड़क के जहाँ पर हमको बार बार घंटे वेट करना पड़ता है, वहाँ पर कंजस्टेड जगह और ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है कि अभी तो खैर सीजन भी नहीं है और पहले से ही हमारी इतनी लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से हम इतनी मंदी का मार झेल रहे हैं, तो अभी टूरिस्ट सीजन आने वाला है तो आगे ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारा तो एक साल तो गया पर ये साल भी मुझे नहीं लगता कि क्योंकि कोरोना जैसे दोबारा दस्तक दे रहा है तो उससे थोड़ा डर का भय तो है ही कि अगर ये भी हो गया और या ये भी रोड भी हमारा बंद, इससे थोड़ा टूरिस्ट को इफेक्ट तो हो ही रहेगा. तकलीफ की बात यह है कि ये बड़े धीमी गति से चला हुआ है, तो शासन प्रशासन से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि इसमें थोड़ी त्वरित कार्रवाई की जाए और कुछ अन्य फोर्स लगा करके, एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इस बात से निजात दिलाई जाए, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन प्रारंभ होने वाला है या हो चुका हुआ है, तो उसमें आवाजाही में तकलीफ रहती है, यातायात के संसाधनों में तकलीफ रहती है, तो वो उन कष्टों की शीघ्र निर्वहन के लिए कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके प्रशासन की ओर से ये कार्यवाही को थोड़ा तेज गति से प्रारंभ किया जाए, हमारा यही कहना है. Deputy Commissioner, when asked, has said that the tenders for the demolition have been floated by the Chief Conservator of Forests. He will soon be opening the tenders and the work for the demolition would start. He has also assured that the demolition work will be carried out very quickly. However, the concerns of the tourism industry remain.